हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी पोयम पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 11 सीबीएसई के हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट पोयम है अ फोटोग्राफ, जिसको लिखा है शिर्ले टॉल्सन ने। ये पोयम एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है पोएटिस की मदर को लेकर के। पोएटिस ने बहुत ही ब्यूटिफुली इस पोयम को डिस्क्राइब किया है और अपनी कुछ फीलिंग्स बताई हैं अपनी मदर के लिए। तो ये पोयम, इस पोयम का नाम, जैसा कि आपने आपको मालूम है, इस पोयम का नाम है अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ बिल्कुल सही, फोटोग्राफ ही एक ऐसी चीज होती है जो हम बाद में जिसको देख करके याद करते हैं और पुरानी मेमोरी से करंट मेमोरी को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और चीजों को देख देख करके हम इमोशनल अटैच होते हैं। तो आइए चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम अ फोटोग्राफ। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girls' cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. तो ये जो फोर लाइन आपके सामने है बहुत ही खूबसूरत है, स्टार्टिंग लाइन है। इसमें देखिए क्या बात हो रही है, द कार्डबोर्ड इज अ फोटोग्राफ हियर। तो एक कार्डबोर्ड है, एक फोटोग्राफ है। शोज मी, तो जो पोएटिस है, मी यहाँ पर पोएटिस है, पोएटिस ने कहा कि जो कार्डबोर्ड है ये मुझे क्या दिखाता है कि हाउ इट वॉज, किस तरह से, व्हेन द टू गर्ल कजिन्स। अब देखिए यहाँ पर टू गर्ल कजिन्स का नाम लिया गया है, यानी शिर्ले टॉल्सन की जो दो कजिन है उनकी बात हो रही है यहाँ पर, कि ये दोनों कजिन किस तरह से वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है स्टेप्स वाइज चलना, पैदल चलना। तो पैदल चलते हुए ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने ही शिर्ले टॉल्सन की मदर के हैंड को पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल, और उन दोनों बहनों में, उन दोनों कजिन्स में जो इनकी बड़ी बहन है, जो इनकी एल्डर सिस्टर है, सम 12 इयर्स और सो। तो ये जो पूरी कहानी है ये 12 साल पहले की बात हो रही है, कुछ सालों पहले की बात हो रही है, जहां पर एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड में ये पूरा, ये जो फोटोग्राफ है उसमें ये फोटोग्राफ है कि एक स्नैप खींचा हुआ है, एक स्नैपशॉट है इसमें, जिसमें कि पोएटिस की मदर है, दो उनकी कजिन है, दोनों कजिन ने उनकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है और वो पैदल पैदल चली जा रही। अब कहाँ जा रही है देखिए, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब देखिए ऑल थ्री, हु आर द थ्री हेयर, यस पोएटिस शिर्ले टॉल्सन की मदर है और उनकी दोनों कजिन है। तो ये जो तीनों है, तीनों एक लाइन से खड़ी हुई है। अब देखिए थ्रू देयर हेयर का मतलब उनके फेस पर वो जो बाल है उनके वो आ जा रहे हैं, और एट द अंकल विद द कैमरा। अब यहाँ पर बड़ी बात ये है कि ये फोटो उनके खींच कौन रहा है, ये फोटो उनके अंकल स्नैप कर रहे हैं। तो एट द अंकल विद द कैमरा, ओके क्लियर। अ स्वीट फेस माई मदर्स, अब इनकी मदर का चेहरा कैसा दिख रहा है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये कब की बात है, जब शिर्ले टॉल्सन पैदा नहीं हुई थी, यानी कि शिर्ले टॉल्सन की बर्थ से पहले की ये बात है, ये उनकी पहले का फोटोग्राफ है। तो उसी फोटोग्राफ को देख करके शिर्ले टॉल्सन मेमोराइज कर रही है, अपनी मदर को याद कर रही है। एंड द सीन विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। ये दो लाइन को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, इस दो लाइन से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। एंड द सी, अच्छा अब देखिए यहाँ पर, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, अब वो जो फोटोग्राफ है उस फोटोग्राफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट हैं, जो सी है, जो समुद्र है, वो पूरी तरह से कांस्टेंट है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, चेंज्ड चेंज है लेकिन लेस है, बहुत कम चेंज हुआ है। तो जो सी है वो चेंज नहीं हो रहा है उसमें, फोटोग्राफ में सब कुछ तो चेंज हो गया, मदर चेंज हो गई, इनकी दोनों बड़ी बहनें जो थी वो चेंज हो गई, लेकिन जो समुद्र है, जो समुद्र का पानी है, वो चेंज नहीं हुआ। वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, अब यहाँ पर आपको समझना होगा, तो तीनों जो लड़कियां हैं मदर के साथ, इनकी जो दोनों और दोनों बहनें हैं वो खड़ी हैं, तो समुद्र का जो पानी है वो इनके टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, पैरों को लहराता हुआ, धोता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें आपको देखनी है, सी जो है, जो समुद्र है वो शांत है, वो मूवेबल नहीं है, वो एक ही जगह पर है, बल्कि जो इनके पैर हैं वो टेरेबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
प्लेस कर जाना, चले जाना। टेरेबली वर्ड क्यों यूज किया है? टेरेबली वीक यहाँ पर शो कर रहा है, तो जो उनके पैर है वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, जो उनकी मम्मी है उनके पैर कमजोर हो चुके हैं, तो इन पैरों को जो समुद्र का पानी है वो धो रहा है। अब कमजोर क्यों है वो नेक्स्ट आपको स्टैंजा में पता चलेगा। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सम 20-30 इयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। हु इज शी हियर? यस, सिल्ली टॉसन्स। तो कुछ 20-30 सालों के बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। जो मदर है जब वो इसी स्नैपशॉट को देखेंगी तो वो हंसेंगी। क्यों हंसेंगी और क्या कहेंगी हंस के? सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से। क्या कहेंगी? बेटी एंड डॉली। अब देखिए, जो दो कजन ऊपर बताया गया था कि उनकी दो कजन है, यही दो कजन है बेटी और डॉली। तो सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से। और क्या कहेंगी? एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। और कहेंगी कि देखो किस तरह से तुम लोगों ने बीच पर, समुद्र पर किस तरह से कपड़े पहने थे। आप भी, हम भी जब अपने पुराने फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो जरूर चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, हंसी आ जाती है, क्योंकि पहले की फोटो अब की फोटो में काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। पहले हम कैसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हैं। पहले किस तरह के हम कपड़े पहना करते थे, अब किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। तो वो जो सी हॉलीडे था वो उनका पास्ट था जो बीत गया। माइन इज हर लाफ्टर। अब पोएट के लिए सिर्फ उनके मदर की हंसी बची हुई है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बहुत ध्यान समझिएगा, राई का मतलब होता है डिसअपॉइंट होना, निराश होना, विथ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब देखिए लेबर्ड ईज, इन दोनों वर्ड्स में ऑक्सीमोरॉन है। लेबर का मतलब होता है स्ट्रगल करना, मेहनत करना, ईज का मतलब होता है आसानी से। यानी ये जो समय बीता है बहुत ही डिसअपॉइंटेड रहा है, जस्ट बिकॉज हर मदर इज डाइड, उनकी माँ मर चुकी हैं। ईज ऑफ लॉस है ना, ये लॉस वर्ड आपको शो कर रहा है कि उनकी माँ जो है वो अब उनका डेथ हो चुका है। नाउ शी इज बेंडेड, देखिए नीचे लिखा हुआ है, अब वो मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल, दैट गर्ल यहाँ पर उस फोटो वाली लड़कियों के बारे में बात हो रहा है जो अब बड़ी हो चुकी है, और जबकि उनकी मदर, उनका डेथ हो चुका है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस परिस्थिति में, इस सर्कमस्टेंसेस में पोएट्स के लिए कुछ भी नहीं है कहने को। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, ये पूरी तरह से शांत और शांत हो चुका है। तो ये था आपकी पोयम का समरी। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा पोयम आप ऐसे समझिए कि एक ट्रिब्यूट है, उन्होंने अपनी मदर की मेमोरीज पर लिखा हुआ है। वैसे भी फोटोग्राफिक हम मेमोरीज के लिए रखते हैं, तो ये पूरी तरह से मेमोरीज के लिए रखा हुआ है। क्लियर? अब कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू।